यथार्थ ग्रहण अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। जैसे ही इस ग्रहण की काली छाया धरती लोक पर पड़ेगी, हमारी काली शक्तियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, मतलब बालवीर का लगाया हुआ सुरक्षा कवच ग्रहण के दौरान बेकार हो जाएगा। काल परी, जरा अपने जादुई आईने में दिखाइए तो सही कि पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है। अभी मैं अपनी शक्ल नहीं, आईना जांच रही हूं। अगर इस ग्रहण की किरणें इस आईने से होकर धरती लोक पहुंचेगी तो काल लोक की शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। देखो तो जरा, पृथ्वी कितनी शांत और सुंदर लग रही है। तूफान से आने के पहले की शांति लगती है। बस कुछ पल और फिर यह सुंदरता और शांति चीख पुकार में बदल जाएगी। मैं पृथ्वी जा रहा हूं, अब देखेगी पृथ्वी भयमार की शक्तियों का कहर। अब कैसे बचाएगा बालवीर धरती को? जैसा कि शौर्य ने कहा था, धरती के अंदर छुपी यथार्थ शक्ति की मदद से मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण कर दिया है। ये रसायन वाष्प क्या है बालवीर? आज से करोड़ों साल पहले जब धरती का निर्माण हुआ था तब धरती आग का गोला थी। बीतते समय के साथ साथ धरती बाहर से तो ठंडी हो गई, आज भी धरती के केंद्र में यथार्थ शक्ति छुपी हुई है जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है। उसी यथार्थ शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण किया है। अब हमें इसका परीक्षण करना होगा। परियो, आप अपनी सारी शक्तियों की मदद से मुझ पर हमला कीजिए। इसके नीचे तो हमारी शक्तियां बिल्कुल नाकाम है। और इसी तरह इस रसायन वाष्प की वजह से काल लोक वालों की शक्तियां भी नाकाम हो जाएगी और एतात ग्रहण का समय पूरा होते ही हम इस कवच को धरती पर से हटा देंगे। लेकिन बालवी, रसायन वाष्प के एक छोटे से बादल से हम पूरी धरती की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस छोटे से बादल को पूरी धरती पर फैलाने के लिए शौर्य खुद धरती पर आ रहे हैं। क्या? क्या? अब तिमनासा चाहे कुछ भी कर ले, हम उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। शौर्य, रसायन वाष्प तैयार है, अब आप धरती पर आ सकते हैं। ठीक है बालवीर, मैं अभी धरती पर आ रहा हूं। आने वाली प्रलय से अनजान कितनी शांत है ये पृथ्वी इस वक्त। थोड़ी देर में यहां शोर मचेगा, विनाश का शोर। राजा, अगर आप भी आ गया हो तो इस चौपाइये वाहन को नष्ट करके कालों की शक्ति का अशुभारंभ शुरू कर दो क्या धरती लोक पर? जाओ तोबा तोबा, अपनी इच्छा पूरी कर ले। शुक्रिया। काली शक्ति की कसम, चौपाइये वाहन हो जाओ पतंग।
कौन हो तुम भाई? थोड़ी देर में इस वाहन की तरह तुम सबकी सांसें भी रुकने वाली है धरती वासियों। तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, कोई आपत्ति है? प्रभाव दो पल देरी से शुरू हुआ वरना पूरी धरती को मैं अकेला ही आग लगा देता। भैमार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता परियों, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1,999, 998 मेरा मतलब है 10। कोई फायदा नहीं है परियों, अब तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है धरती लोक पे। पानी परी, हमें बालवीर को तुरंत खबर देनी चाहिए। हाँ वायु परी। जाओ परियों जाओ, और बताओ बालवीर को कि उसकी पृथ्वी खत्म होने वाली है। भागो। बधाई हो तिमनासा, अथार्थ ग्रहण शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। राजा, आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आपके सालों के कब्ज की शिकायत आज दूर हो गई हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश भैमार, शाबाश। तिमनासा, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ये ग्रहण खत्म होने तक का ही समय है। हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा। तुम फिक्र मत करो कालपरी, बारूद में आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। अब बालवीर, उसकी वो परियां या उनका वो मार्गदर्शक शौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी भी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। बस तुम सब करती जाओ वो जो मैं तुम्हें कहती हूं। क्या हो रहा है? मैं वीर लोक की सीमा के बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? शौर्य को तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ बालवीर, एतिहाद ग्रहण शुरू हो चुका है, हमें रसायन वाष्प लगाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। बालवीर, बेहमान ने धरती पर हमला कर दिया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बालवीर, लेकिन हमारी शक्तियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। शौर्य, कहाँ है आप? शौर्य जवाब दीजिए। शौर्य से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बालवीर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? परियो, आप चिंता मत कीजिए, मैं शौर्य से मिलने के लिए खुद वीर लोग जा रहा हूँ। ध्वनि परी, ज्वाला परी, आप दोनों विवान की सुरक्षा कीजिए, मैं जल्दी ही लौटूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस लेजर की को ठीक करवाना होगा, वरना पता नहीं किस किस चीज के दो टुकड़े हो जाएंगे। विवान, कहाँ थे तुम?
मैं खेलने गया था। वैसे मस्ती परी का मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मस्ती परी से बाद में मिल लेना, फिलहाल अंदर जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? अगर है तो मैं तैयार हूँ ना मदद करने के लिए। विवान, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, फिलहाल तुम घर के अंदर जाओ। ओके। विवान और प्रॉब्लम से डर जाए। विवान और सलमान किसी से नहीं डरते। अंदर बाहर नहीं। मैं तो यहाँ जूते पहुँचने के लिए रुका था। वो मम्मी कहती है ना कि बाहर की धूल अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए। विवान, हो गया? हाँ। अंदर हो गया। जूते साफ, मन साफ, जीवन साफ, साफ जूते, उच्च विचार, जा रहा हूँ मैं अंदर। हाँ। इतना कड़ा पहरा, जरूर कोई सीरियस लोग हैं। मुझे इन परियों की नजर से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए शौर्य, आपको पृथ्वी पर आना है। मैं वीर लोक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ बालवीर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बालवीर, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तुमने ही तो मेरी मदद की है। भूल गए तुम्हारा वो रज्जो रण, तुम्हारी वो जादुई रस्सी जिसे मैंने काल लोक में तुमसे छीन लिया था? उसी जादुई रस्सी से मैंने शौर्य को वीरलोक में कैद कर दिया है। अब यथार्थ ग्रहण से पहले शौर्य वीरलोक से बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा तुम्हारे उस रसायन वाष्प का? अभी तो भयमान ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी हैं, बहुत जल्दी धरती पर आतंक की आतिशबाजियां होंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर, बस देखते रह जाओगे। परियों को चकमा देना मुश्किल तो है, लेकिन परिया ने तो समझा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारे फैमिली फ्रेंड्स मिस्टर बजाज बता रहे थे कि आपके घर के खाने का टेस्ट किसी 5-स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा अच्छा है। ये नया कैरेक्टर कौन है? अरे मैं तो कहता हूँ 5-स्टार नहीं, 7-स्टार होटल के खाने से भी बहुत अच्छा है। जी ऐसा है करुणा जी, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है शहर के बाहर, 350 वर्कर्स काम करते हैं इसमें, लेकिन इतने लोगों का कहीं अच्छा खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। और फैक्ट्री के वर्कर अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, पेट भरा तो दिल हरा भरा। और इसीलिए हम अपनी फैक्ट्री के 350 लोगों के टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट करुणा जी को देना चाहते हैं। क्या बोले? नहीं सुनिए, सच्ची? जी हाँ, आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों ही डिलीवर करने होंगे। दो वक्त का खाना 350 लोगों का मतलब 700 टिफिन? मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे रे मम्मी, सिक्सर मारने वाली बॉल आई है और आप मैच डिक्लेयर करने की बात कर रही हो। बोलिए करुणा जी, कर पाएंगी ना आप? जरूर कर पाएंगी, 700 लोगों के 7000 लोगों का भी खाना डिलीवर कर पाएगी मेरी मम्मी। वैसे हेलो, मेरा नाम है विवान, करुणा जी का 10-स्टार बेटा। इन्हीं के हाथों का खाना खा के मैं तो हैंडसम और इंटेलिजेंट हुआ हूं। अरे वाह, हेलो विवान बेटा, मैं हूं मिसेस केतान और यह है मिस्टर केतान। हेलो। लेकिन करुणा जी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हम उनके हाथों का खाना एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर, आप लोग इधर ही बैठे रहिए, मम्मी अभी आपके लिए कुछ टेस्टी सा बना के लाएगी। चलो मम्मी, चलो। अरे 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 बोलो, नहीं सुनो, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं विवान? कर लेंगी आप मम्मी, आप विवान की मम्मी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे तो समझ नहीं रहा है विवान, 700 टिफिन में अकेले नहीं कर पाऊंगी। फिकर नॉट मम्मी, मैं करूंगा ना आपकी मदद। अभी आप सिर्फ इन दोनों को कुछ अच्छा बना के खिलाने की सोचिए, जाओ। जब बेटा जादू करो तो मम्मी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है?
मस्ती परी ने तो कहा था कि जादू का इस्तेमाल ओनली परोपकार के लिए करना है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी नहीं है मेरी। एक मिनट मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग 25 लोगों को काम पे रख ले, जो सब्जियां काटते छिलने और मसाले पीसने में आपकी मदद करेंगे, और आप बस हेड शेफ की तरह सब खाना पकाना। 25 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और फ्री टाइम का खाना भी ना, और आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है विवान, तू इतना समझदार कब से हो गया? परोपकार करने में बहुत चुक है, ऊपर से शेर सर से रिपोर्ट कार्ड में व्हाइट डॉट भी मिलेगा, मस्ती परी से शाबाशी भी मिलेगी, और मम्मी से इतना सारा लाड़ भी मिल रहा है, वो अलग। मस्ती परी, क्या तुमने सुना नहीं है, ग्रहण के दौरान अकेले सहर करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मस्ती परी, होली है बेचारी, इसे अभी भी यही लगता है कि बालवीर और शौर्य दोनों मिलकर अथार्थ ग्रहण से पृथ्वी को बचा लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। जज्बा, तुम्हारे जज्बे की तो दाद देनी पड़ेगी। कालों की भैरानी तिमनासा और सेनापति के बीच में खड़ी हो, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत। बेमारी से बेवकूफी कहेंगे या हिम्मत? अथार्थ ग्रहण का चमत्कार है ये। तुम जितने हमले मुझ पर करोगी, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे इस अस्त्र में आती जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी शक्तियां एक एक करके हमें दोगी या एक साथ तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लें। लगता है मस्ती परी जी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है। हमें भी इनका वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तिमनासा, बस कुछ देर और फिर वीर लोग की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। ऐसा नहीं होगा वायुपुरी, इस सबसे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है जिसके लिए मुझे वीर लोग जाना होगा। आप सब विवान की सुरक्षा कीजिएगा, मैं वीर लोग जा रहा हूं। भैमार क्या कर रहा है पानी परी? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस समय भैमार से टकराना बहुत खतरनाक है वायु परी, लेकिन हमें पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। Ha 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 ha
कितनी लाचार हो ना तुम दोनों अपने फर्ज के आगे। यही तो कमजोरी होती है तुम अच्छे लोगों की। अब तुम दोनों को तुम्हारी ही शक्तियों का स्वाद चखाऊंगी मैं। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये लीजिए हमारी बहू के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट तो उससे भी अच्छा आएगा अंकल, खाकर तो देखिए। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, यहाँ तो वो चल रहा है, वो खाना खसाना। जब ताली, अब देखो मेरा कमाल। कर कर कर। ये कौन सी डिश है? ये खीर है। क्या आपने खीर में पूरा नींबू छोड़ दिया है क्या? नींबू? मैंने तो कभी नहीं खाई इतनी खट्टी खीर। कड़वी खीर। दाल टेस्ट करवाइए। हाँ हाँ हाँ। ये दबा दबा। अब मेरी बारी है। मेरी बारी। दाल में क्या आपने करेला मिला दिया करुणा जी? अरे भूली नहीं सुनी, दाल में कौन करेला डालता है? मम्मी के खाने में खराब टेस्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है फाइव स्टार से अच्छा खाना? तुम ही लाई थी मुझे यहाँ पे अपने फ्रेंड बजाज के कहने पे। अच्छा तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं मेरी गलती है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? परी हूँ आप कहाँ हो? क्या हुआ विवान? चपताली और तबा तबा वहां छुपे हैं। मैं अभी इन दोनों को सीधा कर दूं। इसके पास जादुई शक्तियां कहां से आ गई? चौंक गए विवान, नन्ही उंगली की कसम, अब तो मेरी नन्ही उंगली में भी वो है, वो जादू। ये कैसे हो सकता है? धरती पर कालों कालों की शक्ति कब से चलने लगी? जब से यथार्थ ग्रहण शुरू हुआ है तब से। लेकिन परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मारूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगी ताकि तुम लाचार होकर धरती की तबाही देख पाओ। Oh!
कोई पाशवास नहीं होगा, बस सर्वनाश होगा। तुम पांचों की और इस विवान की शक्ति तो मेरे पास आ ही चुकी है, अब बचा बस वो तुम्हारा बालवीर। लेकिन ये योजना बहुत ही खतरनाक है बालवीर। जानता हूँ शौर्य, मगर अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बालवीर मन शांत करके सोचा। नहीं शौर्य, अब हमारे पास दूसरा उपाय सोचने के लिए समय नहीं है। भैमार पहले ही मस्ती परी की शक्तियां छीन चुका है, अब अगर हमने और देरी की तो वो सारी परियों की शक्ति ले लेगा। इसलिए मैं अभी काल परी का रूप लेकर काल लोक जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें काल परी के रूप में काल लोक भेजने को तैयार हूं। काल परी, धरती और वीर लोक पर मेरी हुकूमत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। परियों की और उस छोटे बालवीर की शक्तियां तो मैंने ले ही ली है, अब सिर्फ बचा है वो बड़ा बालवीर। उसकी शक्तियां भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी तिमनासा। ग्रहण खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है। बालवीर के सभी पैंतरे तो अब बेकार हो ही चुके हैं। जरूर अपने उस सफेद शेर के साथ बैठकर कोई नई योजना बना रहा होगा बेचारा। शौर्य, काल लोक में मौका मिलते ही तिमनासा का जादुई शस्त्र हासिल करना होगा मुझे। ये काम सावधानी से करना बालवीर, तिमनासा बहुत ही शातिर है, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फिक्र मत करो शौर्य, तिमनासा को इस बार जीतने नहीं दूंगा मैं। ठीक है बालवीर, विजयी होकर लौटो। खुश रहो शौर्य, खुश रहो। हमारे पृथ्वीवासियों पर जहरीली हवा छोड़ रहा था, हम दोनों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तिमनासा ने वहां आकर हमारी शक्तियों का इस्तेमाल हम परी कर दिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वायु परी। थोड़ी देर पहले तिमनासा यहाँ भी आई थी, उसने हम सबकी शक्तियाँ उसके शस्त्र में खींच ली। हम तो पार्टनर ही कुछ कर सकते हैं। कालपरी, अजीत की जिस ऊंचाई पर मैं हूँ उसमें तुमने मेरी बहुत मदद की है, यथार्थ ग्रहण का राज बताकर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सिंहासन पर बैठो, इस राजगद्दी पर मेरे लिए। तिमनासा, मुझे इस राजगद्दी में कोई ही रुचि नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे ब्रह्मांड में से अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तुम्हारा ये अच्छाई को खत्म करने का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया कालपरी। चलो ये राजगद्दी ना सहे, तुम मेरे लिए मेरा ये शस्त्र ही पकड़ लो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे लिए बहुत जच रहा है तुम पर, शुक्रिया। काल परी, तुम्हें तो वीर लोग छोड़कर बहुत पहले ही काल लोग आ जाना चाहिए था, पर अभी भी कुछ देर नहीं हुई। बस कुछ ही पलों में अर्थात ग्रहण के खत्म होने से पहले मैं वीर लोग को मिट्टी में मिला दूंगी, नामो निशान खत्म कर दूंगी। यही मौका है। और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगी तिमनासा।
यही कमी है तिमनासा की, जीत मिलने से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगती है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू छल कपट की महारानी को काल लोक में आकर धोखा दे देगा? बालवीर, बालवीर, तिमरा साहब ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे खुद ब खुद यहाँ आने के लिए शुक्रिया बालवीर, क्योंकि अब तुम्हारी भी शक्तियां मेरी होंगी। काल परी, ये क्या कर रही हो? यही मौका है, छीन लो इसकी शक्तियाँ। तिमनासा अभी भी वक्त है, छीन लो इसकी शक्तियाँ। ये क्या किया तिमनासा? बालवीर को क्यों भागने दिया अभी? क्योंकि अपने शिकार को तड़पता हुआ देखने में तिमनासा को बहुत मजा आता है। पर तुम उसे इसी वक्त जितना चाहे उतना झड़पा के मार सकती थी ना? नहीं, बालवीर एक सोच है, अच्छाई की सोच, और उसी सोच को मुझे खत्म करना है। जब मैं परियों के सामने, उसके उत्तराधिकारी के सामने और पूरी दुनिया के सामने बालवीर को मारूंगी, तब वो सोच खत्म होगी और तब बुझेगी उन लोगों की उम्मीद की आखिरी किरण, वो आखिरी लो, और तब हमेशा हमेशा के लिए मरेगा बालवीर। मस्ती परी, पार्टनर का प्लान कामयाब तो होगा ना? हिम्मत रखो विवान, जीत हमेशा हिम्मत रखने वालों की होती है, सच्चाई की होती है। कैसे हिम्मत रखो मस्ती परी, हम सबकी शक्तियाँ छिन चुकी है और शेर सर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, और पार्टनर अकेले तिमनासा का सामना करने गए हैं। लेकिन विवान, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार। पार्टनर, बालवीर, तुम्हारी योजना कामयाब हुई। बालवीर, मैं ही ज्वाला परी, तिमनासा को पहले से ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, उससे मेरी योजना सफल नहीं होने थी। तो अब क्या होगा पार्टनर, क्या तिमनासा जीत जाएगी? नहीं विवान, एतात ग्रहण खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, हम आखिरी दम तक जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम हार नहीं मानेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तिमनासा, ग्रहण का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, बालवीर फिर से इस शस्त्र को चुराने की कोशिश करेगा। फिक्र मत करो कालपरी, इस चूहे बालवीर की एक कमजोरी है मेरे पास, और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं इसे इसके बिल से बाहर निकालूंगी। देखना चाहती हो कि वो कमजोरी क्या है? तो चलो मेरे साथ पृथ्वी लोक पर। मेरे पृथ्वी लोक पर। मैंने नहीं रोका, वो खुद ही रुक गई गाड़ी। अरे दरवाजा अटक गया है। वो दर्द हो रहा है।
दरवाजा खोलो। भैमार, बालवीर की सबसे बड़ी कमजोरी है इंसानों के लिए प्यार। कोई इंसान तकलीफ में हो, बालवीर को बुलाए और बालवीर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो आएगा। कोई मेरी मदद करो, बालवीर! कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है? ये तिमनासा की चाल भी हो सकती है बालवीर। हो सकती है, लेकिन तिमनासा से डरकर मैं लोगों की मदद करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन बालवीर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, चाहे उसके लिए कितना ही खतरा क्यों ना उठाना पड़े। बटन। बालवीर! इन लोगों को जाने दो तिमनासा। ऐसे कैसे जाने दो बालवीर? मुझे इन लोगों को तकलीफ में देख के बहुत मजा आ रहा है। मेरा मनोरंजन जो है, अब अगर इन्हें छोड़ दिया तो मेरे मनोरंजन का क्या होगा? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। इन लोगों को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। ठीक है, छोड़ देते हैं। गाड़ी स्टार्ट होगी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। थैंक यू बालवीर। अब इन्हें तो छोड़ दिया बालवीर, मेरे मनोरंजन का क्या? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तो चलो शुरू करते हैं मनोरंजन, और हमारा पुराना हिसाब किताब भी। नहीं बालवीर, सिर्फ मेरी शक्तियां नहीं, मुझ पर पलट के तो वार करो। खत्म हुआ बालवीर। तालुक लेके जाएंगे। बालवीर कालोक में, वो भी अपने घुटनों पे। कितने कमजोर पड़ गए हो तुम अपनी भावनाओं के आगे। जिन भावनाओं को तुम मेरी कमजोरी समझ रही हो, ये मेरी ताकत है। अच्छा, इतनी ताकत है तुम्हारी भावनाओं में, तो ठीक है, आ और छीन लो मुझसे मेरा ये अस्त्र और ले लो वीर लोग की सारी शक्तियां वापस। है हिम्मत? आओ। तिमनासा, यथार्थ ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ। अपने अभिमान को काबू में रखो। वो अभिमान ही क्या जो काबू में आ जाए? कि मेरा अभिमान ही है जिसने आज इसकी ये हालत की है। आज मैं भी तो देखूं कि मेरा अभिमान बड़ा है कि तुम्हारी भावनाएं। बालवीर को तिमनासा कालोक ले गई है शौर्य, और वो उन लोगों से लड़ भी नहीं सकता क्योंकि तिमनासा ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली। यथार्थ ग्रहण खत्म होते ही तुम सबकी शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं शेर सर? अभी भी यथार्थ ग्रहण खत्म होने में कुछ समय बाकी है, और बार्टर ने कहा था ना, तिमनासा तब तक जीत नहीं सकती जब तक हम हिम्मत नहीं हार जाते।
आज मेरे समझ में आ गया कि अच्छा ही करने में जो खुशी है वो इनाम पाने या शाबाशी पाने में नहीं, वो बस अच्छा ही करने में। हमारे पास हमारी शक्तियां नहीं बची, लेकिन हम सब तो एक दूसरे के लिए बचे हैं ना। हम सबको साथ मिलकर पार्टनर को छुड़ाने जाना चाहिए। सिद्ध पुरुष होने की आज तुमने पहली झलक दिखाई है विवान, जाओ जीत कर लौटो। रानी, नन्ही उंगली की कसम, आज का दिन तो काल लोक के इतिहास में बहुत ही बड़े और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस गिरे हुए बालवीर की सारी वो जो निकल गई वो अकड़। अरे बालवीर को ऐसे रस्ते में बंधा देखकर मेरा सीना तो खुशी से इतना फूट रहा है जैसे महारानी का सर घमंड से फूलता रहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। पार्टनर, विवान, परियो, आप लोग यहाँ क्यों आए? आपकी जान को खतरा हो सकता है। टेंशन मत लो पार्टनर, हम सब यहाँ आपके साथ देने आए हैं। मेरे पास जादुई लेजर है, ये बताओ करना क्या है? कमाल है, तुम्हारा तो पूरा परिवार यहाँ आ गया बालवीर, वो भी बिना शक्तियों के। लड़ने आए हो या इसे श्रद्धांजलि देने के लिए? तुमसे लड़ने के लिए तो अच्छाई की ताकत ही काफी है तिमनासा। बहुत खूब सीख दी है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें, एकदम रट्टा मार के आई उसकी सीख का। जैसा गुरु वैसा चेला। इस सूर्य घड़ी को देख रहे हो छोटे? जैसे ही सूर्य घड़ी के कांटे की परछाई सूर्य बिंदु पे पहुंचेगी, यथार्थ ग्रहण खत्म हो जाएगा और साथ साथ खत्म हो जाएंगी वीर लोक की सारी शक्तियां। विवान, तुम अपने लेजर से इस सूर्य घड़ी को जमीन से अलग करने की कोशिश करो, ताकि मैं इस सूर्य बिंदु को परछाई तक ला सकूं। क्या हुआ, ठीक से देख नहीं पा रहे? आओ ना आगे पास जाकर देखो, वैसे भी तुम निहत्ते हो। घड़ी काफी अच्छी बनाई है तुम लोग, दिखने में भी अच्छी है, बहुत बढ़िया, मजबूत भी। अपने घर में इधर भी खुद को शेर समझता है तिमनासा? क्यों टिम्मी आंटी, है ना पार्टनर? जितना छोटा तेरा शरीर है उतनी ही तेरी जबान भी चलती है। हाथ भी बहुत चलते हैं, मौका पड़ने पर बताऊंगा। विवान, इस चाल से तिमनासा के लिए चाल बिछा रहा हूँ पार्टनर। अच्छा, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें और क्या मिलेगा छोटे बालवीर? चलो चलाओ अपने हाथ। कहते हैं पहला मौका बड़ों को दे देना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है ना तो पहले सीनियर बालवीर से लड़कर दिखाओ। आधा काम कर दिया मैंने पट्टर, बाकी सब आपके हवाले। जिम्नासा विवान, ये मेरे और तिमनासा के बीच की लड़ाई है। ठीक है पार्टनर, मौत को सामने देख के लगता है इसमें खतरनाक ताकत आ गई है। लगता है तुझे आसान मौत पसंद नहीं है।
अच्छा लगा तिमनासा को तेरा ये ठीठपन। बालवीर, भट्टर, बालवीर, बस इतनी ताकत है पूरे ब्रह्मांड की होने वाली भैरानी में, इससे ज्यादा ताकत तो मेरे पार्टनर के पास है। अच्छा हुआ कि तू खुद खड़ा हो गया, लेकिन मेरे सामने कब तक खड़ा रहेगा? रुक जाओ तिमनासा, बालवीर तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। उनकी बात मान लो तिमनासा, अगर ग्रहण खत्म होने से पहले बिना शक्तियों के मैंने तुम्हें मार दिया तो लोग क्या कहेंगे? अपनी हर हार का बदला लूंगी आज मैं तुझसे। धरती में आज तू दफन होगा बालवीर। तुम्हें पता है तिमनासा, अच्छाई हमेशा क्यों जीतती है? क्योंकि वो हमेशा मेरी तरह मुस्कुराती रहती है, और बुरा इसलिए हारती है कि उसके चेहरे पर डर होता है। मैं डरूंगी तुझसे? तिमनासा डरेगी तुझसे? बालवीर, चलो बालवीर, आज खत्म ही कर देते हैं ये रिश्ता। बस करो तिमनासा, बस करो तिमनासा, बस करो, पार्टनर को छोड़ दो प्लीज। वो देखो, सूर्य घड़ी की कांटे की परछाई सूर्य बिंदु बना चुकी है। एहतियात ग्रहण खत्म हो चुका है, हम हार चुके हैं। बधाई हो तिमनासा, अब सारे ब्रह्मांड पे तुम्हारा ही राज होगा। लगता है ग्रहण के साथ साथ बालवीर के पागलपन का दौरा भी खत्म हो गया। देखो कैसे पुराने कटे हुए पेड़ की तरह औंधा पड़ा है। क्या हुआ बालवीर, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? कैसा लग रहा है तुझे आम इंसान बनके? खोल अपनी आंखें। बालवीर, अपनी आंखें खोलो। उठो पार्टनर, आंखें खोलो पार्टनर, पार्टनर आंखें खोलो। मैं बालवीर अपनी अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों का आह्वान करता हूं।
लो विवान। तिमनासा, तुम्हारा अभिमान भी कितना बुरा है। तुम ये तक नहीं समझ पाई कि ऐताज ग्रहण अभी खत्म ही नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ऐसे लेजर की कहते हैं इसे, जिससे मैंने इस घड़ी को जमीन से अलग कर दिया था। तिमनासा, धोखा दिया है इन लोगों ने हमें। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी तिमनासा, क्योंकि बुराई कभी जीतेगी नहीं और अच्छाई कभी हारेगी नहीं। वैसे तुम्हारा ये जादू दंड अब उतना जादू ही नहीं रहा। बाय बाय टिम्मी आंटी, फिर मिलेंगे। ये क्या हो गया? कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, हमें नया साल कैसे शुरू करना चाहिए? मौज मस्ती करके फन धमाका अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। पूरा साल फन धमाके में गुजर जाएगा। तेरे और पापा फन धमाका की टिकट का रेट सुन के ना तेरे गाल पे धमाका कर देंगे। हाँ, ये तो है। तो मूवी चले? मेरे पास फन धमाका और मूवी उससे भी अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले तुम लोग चॉकलेट खाओ फिर बता दो। अरे वाह विवान, लेकिन ऐसा कौन सा आइडिया है जो तू बताने से पहले ही मुंह मीठा करवा रहे हैं? इतना नेक आइडिया है मेरे पास कि पूरा करने के बाद दिल खुशी से मीठा हो जाएगा, इसलिए अभी मुंह मीठा कर लो। वैसे मैं सोच रहा था कि न्यू ईयर पर हम ओल्ड एज होम चले। क्या क्या उसकी आइडिया दे रहा है विवान? अरे कुकू पूरी बात तो सुन, वृद्धाश्रम वाले लोग अकेले होते हैं, अगर हम उनके साथ टाइम बिताएंगे और उनकी सेवा करेंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो हमें खूब सारा आशीर्वाद भी देंगे। बड़ों का आशीर्वाद पाकर तो पूरा साल अच्छे से गुजरेगा। मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा विवान। Yes, I also like it. तुम सबको ये आइडिया पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। कल चलते हैं ओल्ड एज होम। ये लोग तो अपने नए साल की शुरुआत खुद ही खराब कर रहे हैं भैया, हमें इनका कुछ खराब करने की क्या जरूरत? हाँ चिंटी, आज रात को हम न्यू ईयर मनाएंगे, खूब खाएंगे, खूब नाचेंगे और कल पूरा दिन सोएंगे। यस चिंटी। और पार्टी में जो बेस्ट ड्रेस्ड डांसर किड का अवार्ड है ना वो भी हम ही जीतेंगे, 5,000 का हैम्पर। हाँ चिंटी। तो ये है कि उस वृद्धाश्रम में न्यूज टीवी वाले भी आने वाले हैं। हाँ, और जो भी बच्चा सबसे ज्यादा दान करेगा उसका इंटरव्यू टीवी पर आएगा। हाँ। अरे वाह विवान, मतलब फेमस होने का सॉलिड मौका है। हाँ। चिंटी, फेमस होना तो मेरा भी बचपन का सपना है पर आज तक हो ही नहीं पाया। अब हो गया ना भैया, एक काम करते हैं, जो 5,000 का हैम्पर है ना हम मम्मी पापा से बोल के उसे पहले ही दान करवा देते हैं। हाँ चिंटी, और फेमस होने के लिए हमारे पेरेंट्स तो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इनकी जेलेसी की वजह से ही सही किसी का तो भला हुआ। और रही बात डांस कॉम्पिटिशन की तो वो तो हम ही जीतेंगे, क्यों बल्टन? तिमनासा, हमें विवान को काबू में कर लेना चाहिए, वो और बालवीर मिलकर हमेशा हमारी सारी योजनाओं को खराब कर देते हैं। जानती हो कालपरी, इसलिए हमें विवान और बालवीर को अलग करना होगा। लेकिन भैरानी, भैराजा का दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग हो चुका है, उसका क्या? सुबह से काला फूल हाथ में लेकर पूरे कालोक में घूम रहे हैं।
संभल कर तिमनासा। मैं ठीक हूँ कालपरी। कालपरी तिमनासा, ये क्या गड़बड़ है? कालपरी के गले से भैरानी, भैरानी के गले से कालपरी क्यों बात कर रही है? कहाँ गया कीड़ा? स्कूल में वो कीड़ा भाग कहाँ है? बहुत खूब बेमार, यही उम्मीद थी तुमसे। तो इसका मतलब अब तुम ये भी समझ गई होगी कि एक कीड़ा क्या क्या कमाल कर सकता है। लेकिन कोई मुझे समझाएगा? अभी कालपरी और महरानी के बीच जो उलट फेर हुआ है उसका इस कीड़े से क्या संबंध है? संबंध क्या है ये तो तुम्हें आज रात को पता चल जाएगा। तौबा तौबा, आज रात को धरती लोक के निवासी नए साल का जश्न मनाने वाले हैं। बस वही देखना कि ये कीड़ा क्या कमाल करता है। बालवीर तैयार हो जाओ नए साल के तिमनासा का स्वागत करने के लिए।